तो आज हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस शीट को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, ये किसी भी बिजनेस और कारोबार के लिए एक बेहतरीन शीट है जिसमें आप उसका एक ही पेज के ऊपर सारा बिजनेस ला सकते हैं। मतलब जितने आइटम उसने खरीदे हैं उसको आप परचेस रजिस्टर में लिखेंगे, फिर जितने आइटम उसमें से उसने बेचे हैं उसको आप सेल्स रजिस्टर में लिखेंगे, फिर जो बच गए हैं वो आपको ये शीट खुद ही स्टॉक रजिस्टर में शो करेगा कि कितना आपको आइटम बच गया है और कितना उसमें से बचा है, उसकी प्राइस कितनी है और अब उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, ये आपको एक ही शीट पे दिखा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेंगे और जाके हम यहाँ से करेंगे क्लियर, और क्लियर में जाके हम इसको फॉर्मेट कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ये दिखा रहा है कंपनी का नाम, मतलब जिसके कारोबार पर आप बैठ के ये काम बना रहे हैं उसका नाम यहाँ आएगा। तो इसको लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और इसको करेंगे मार्जिन सेंटर। मार्जिन सेंटर करने के बाद इसको सेल स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे और इसको राइट अलाइन कर देंगे, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमें कुछ यहाँ पे राइट साइड पे ऐसे नजर आने लग जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और इसको भी सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर करेंगे और इसको सेल स्टाइल्स में जाके इसको टाइटल कर देते हैं, अब बोल्ड कर देते हैं और ये हमें टॉप बॉटम सेंटर करके इसे बीच में नजर आने वाला है। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सेल स्टाइल्स में, इसको हेडिंग वन में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे और इसके बाद टॉप बॉटम सेंटर करेंगे और इसको रैप टेक्स कर देंगे ताकि ऊपर नीचे नजर आए। और इसके बाद इसको यहाँ से क्लिक करके मर्ज सेंटर करेंगे और इसको भी क्लिक करके मार्जिन सेंटर करेंगे, एंड देन नीचे वालों को सबको इस तरह से सेलेक्ट करके हेडिंग टू में कन्वर्ट कर देंगे जिसका ये ऐसे नजर आएंगे। ये अलग लाइन पर है, ये अलग लाइन पर है, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर पे करेंगे, क्लिक करके मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे, वंस अगेन क्लिक करके मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे, वंस अगेन क्लिक करके मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारे अलग अलग हो गए। अब उसके बाद थोड़ा सा कॉलम की रीएडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक ये हो गई कि हमने इनको इस तरह मार्जिन सेंटर कर दिया जबकि हमें इसको ऐसे नहीं करना था, ये वाले सब सेक्शन जो हैं नीचे ही रहते, ये इस तरह से मार्जिन सेंटर होना था। तो इनको दोबारा से रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ख्याल करिएगा कि अगर आपसे भी ये मिस्टेक अगर हो रही है तो उसको पहले इस तरह से मार्जिन सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पे सब तो मार्जिन सेंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि आइटम नेम वाले सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर सबको सेलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स करेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे, और जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर इनको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद अब आपने इनकी कलर स्कीम चूज कर ली है, जैसे इसके लिए मैंने कलर स्कीम चूज कर रखी है ग्रीन, और ग्रीन के साथ नीचे वाले को रख रखा है लाइट ग्रीन, और लाइट ग्रीन के बाद इसको मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा लाइट ग्रीन बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा सा इसके ऊपर रख देते। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल है दोनों का मैंने व्हाइट रखना है। इसी तरह से इसके लिए मैंने जो स्कीम चूज कर रखी है वो रख रखी है ब्लू, ठीक है। तो ब्लू का कौन सा वाला, ब्लू ये वाला यूज कर लेते हैं, और इसके नीचे वाले जो ऑप्शन है उनके लिए मैंने यूज कर रखा है ब्लू का ये वाला वर्जन। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको व्हाइट कर देते हैं और इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर देते हैं। इसके बाद क्लिक करके यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया है हमने और यहाँ से एक ऑप्शन लिया हुआ है, इसके बाद डार्क ब्राउन, और उसके बाद क्लिक करके ये वाला ऑप्शन लिया है सपोज टू बी ये लाइट वाला, और उसके बाद क्लिक करके यहाँ से इसके बाद व्हाइट कर देते हैं और ये इस तरह से आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके ये नीचे वाले हिस्से पे काम करना है, उसको सेलेक्ट करना है जितने हिस्से पे काम करना है, सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज को एक्सटेंड करके 14 पे कर देना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देना है, और फिर इसको ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर देना है ताकि ये बॉर्डर्स इस पर सही तरह एडजस्ट करें। तो जिसके बाद ये साइड हो जाए तो उसके बाद इसको सेलेक्ट करके आइटम वाले कॉलम को इसको जेन्युइनली लेफ्ट साइड पे कर देना क्योंकि ये टेक्स्ट है, और उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर देना ताकि ये यहाँ तक जितने आइटम्स हैं उनको सबको ड्रैग करके यहाँ डेटा दिखा दे। इसके बाद थोड़ा सा इसको और रीएडजस्टमेंट करने के लिए, थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, एक एक लाइन को छोड़ के इसके ऊपर आप यहाँ पे लाइट लाइट कलर के ऐसे स्ट्रिप्स लगा सकते हैं जिससे ये जाहिर ऐसा होगा कि ये इसी का पोर्शन है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी शीट पर आप नीचे तक इस तरह लगाएंगे। ब्लू वाले के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको यू भी कर सकते हैं कि इसको सपोज तो यहाँ पहले वाले ब्लू पे आप यहाँ पे एक इस तरह से एक हल्का सा ब्लू स्ट्रिप लगा दें, उसके बाद एक छोड़ के दूसरे वाले पे दूसरा स्ट्रिप लगा दें, ठीक है। तो ऐसा जाहिर होगा कि ये इससे थोड़ा सा डिजाइन में थोड़ा डिफरेंट है, और ये एक लाइन छोड़ के ऐसे आपको अलग से वहाँ से अपीरियंस इसकी ज़रा अच्छी रहेगी और यूजर को देखने में आसानी रहेगी। अब कम अलग से पता चल रहा है कि ये परचेज है और ये सेल्स है। फिर उसके बाद सिमिलरली इसके ऊपर भी आपने किसी तरह से लगा देना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसी का लाइट कलर जो है यहाँ पे अप्लाई कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक पे इस पर एक लाइट कलर अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से पूरी शीट पर आप इस तरह से एक लाइट कलर अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पर तो कलर जो हमने लगाया था वो एक्स्ट्रा लग गया, तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कलर में जाके यहाँ से नो कलर कर देंगे, और फिर देखिए क्लिक करके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको फिर एक कलर दे देंगे। तो इस तरह से आप इसको डाउन दी रोड नीचे तक इसी तरह से करते चले जाएंगे, जिससे ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपका बन जाएगा। तो ये देखिए हमने शीट का डिज़ाइन अच्छा सा कर लिया है। अब उसके ऊपर अगर आपको कोई अच्छा सा कलर लगाना है, तो सपोज टू बी हम इसके ऊपर एक इस तरह का कलर लगा के ब्लू का, और इसके ऊपर व्हाइट कलर का स्टाइल लगा के, या फिर ब्लैक कलर का एक स्टाइल लगा के यहाँ से, और उस कंपनी के नाम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको हम सिंपल सा एक और कलर हम यहाँ पे एक हल्का येलो कलर लगा दें। तो ये देखिए हमारी अच्छी सी स्टाइल की प्रेजेंटेशन बन गई है। स्टॉक मैनेजमेंट शीट हमें बेहतरीन किस्म की शीट है, जो एक ही पेज पे पूरे बिजनेस की जो प्रोग्रेस है हमें दिखा रही होती है। फॉर एग्जांपल ये आइटम हमने कितने पीस खरीदे, किस हिसाब से खरीदे टोटल, फिर हमने कितने बेच दिए, कितने के हिसाब से बचे उसका टोटल, फिर बाकी कितने बच गए और उनकी अमाउंट क्या थी, और फिर हमें फाइनली पता चलेगा कि इसमें प्रॉफिट या लॉस हमें कितना हुआ है। तो इस तरह की शीट को हम इजिली स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस शीट के नाम से जानते हैं।